तो छात्र छात्री मानू सुदर्शन लिटरेचर ट्यूटोरियल को प्रथम मुझे स्वागत जनाऊे तत्सत रामनवमी उपलक्षे समस्त छात्र छात्री मान शुभकामना सहित भविष्य शुभकामना मुझे आज प्रसंग हूँ धरावतरण करे श्री रामचंद्र नाटा शुणीदे मन भितर गोटे चमक भाव आसी जाए। रामचंद्र चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि ये धरा को आसी तृतीय युगर अयोध्या नगरीर राजा होती दशरथ। दशरथंकर तीनोटी प्रियराणी थिले कौशल्या कैकेयी आउ सुमित्रा किंतु दशरथंकर कौनसी संतान संतति नथिले जहाँफल मनरे सर्वदा गोटे चिंता भाव रहुथिला कारण तांको वंश रक्षा करने परिवार रे केही नथिले सेथिपई सर्वदा से चिंतित अगस्त होउथिले कारण पुत्र पुत्री परिवार रे रहिले वंश आगो को अतिक्रांत करिथाए अथवा पुत्र पितामाता को पुत नामक नरकर रक्षा करिथाए बोली आम वेद आम संस्कृति आम साहित्य एक कथा परिप्रकाश करिछि बोली आमे माने कहि परिबा किंतु जेहेतु तांकर पुत्र पुत्र बा पुत्री न होउतिला सेतिपई से तांकर कुलगुरु वशिष्ठ परामर्श नहीं वशिष्ठ परामर्श देवाक जाती ऋषि शृंग द्वारा प्रत्येष्टि यज्ञ करले तुम्हर निश्चित पुत्र हेब एक शुणापर राजा दशरथ ऋषि शृंग आश्रम को जा प्रार्थना करार्थना करने अयोध्या नगरी प्रतिष्ठ यज्ञ आयोजन करज्ञर शेष भाग यज्ञ सफलता हेला बोली चरुअर्ण प्रदान करा चरुअर्ण तीन राणी मध्य बंटा जानी राणी चरुअर्ण खाइबा गर्भधारण कर कौशल्या चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि दीपहर समय रे रामचंद्र को जन्म देछंती कैकेयी भरत को जन्म देछंती सुमित्रा लक्ष्मण आ शत्रुघ्न को जन्म देछंती बोली कह जाइछे समयानुक्रमे चारिपुत्र जौवन अवस्था पहुँचती जौवन अवस्था पहुँचवा समस्त विवाह बंधन में बांधि दि जाए। रामचंद्र नरेश राजश्री जनकंकर दुहिता विवाह करिछंती विवाह करिबा पितृसत्यता को रक्षा करने 14 वर्ष वनवास जीवन अतिवाहित करिछंती। आज समय रे कौनसी पुत्र किए को पुत्र अच्छी जे पिता माता कथा को शिरोधार्य भाव ग्रहण करुच्छेदिन तृतीय युगरे कि रामचंद्र 14 वर्ष पितृसत्यता रक्षा करने को जी वनवास जीवन अतिवाहित करती आज समाज पर गोटे प्रेरणादायक नुहे कि आज समाज पर गोटे नीति शिक्षा कि नुहे कि से समय रे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवन अतिवाहित करिछंती निज जीवन को जेतेबेले वनवास अतिवाहित करिछंती सेतेबेले दंडकारण्य रे बसवास करिछंती दंडकान अरण्य रे बसवास करूथिबा समय रे रामचंद्रंकर अनुपस्थित रे रावण सीता को हरण करि नैछि हरण करि नबा परे रामचंद्र लक्ष्मण एवं हनुमान सहायत रामचंद्र रामचंद्र सीता परवर्ती समय ठाब कर ठाब करने समयानुक्रमे समस्त राक्षस एवं रावण को निधन करने माँ सीता पुनः आनी समयानुक्रमे 14 वर्ष तांकर वनवास जीवन अतिक्रांत हो जाए परे से अयोध्या नगरी को फेरी अयोध्या नगरी को फेरवा पर राजधर्मर कर्तव्य को पालन करिछंती। घटना रामचंद्र छद्मवेश धारण करी जेतेबेले रामचंद्र राजा हो गले सेतेबेले से प्रत्येक दिन बा प्रत्येक समय सीमा रखि थांती से निज राज्य को परिभ्रमण करने जानते
मो शासन प्रजा माने प्रकृत उपकृत ना उपकृत नुहे मु प्रकृत कौन अयोध्या नगरी शासन योग्य गादी गादी में बसवाई उपयोगी कि ना ता परीक्षा करने निजर दक्षता को परीक्षा करने से निजे छद्मवेश धारण कर प्रतिदिन संध्या समय रे निज निज अयोध्या नगरी को भ्रमण करने को जाते दिनकर घटना गोबा आउ धोबणी मध्यरे कळी लागिछि। धोबणी धोबा को न कहि ता बाप घर को चली जाइछि। बाप घर को चली जाइछि। चली जिबा परे ता बाप घरे अनेक दिन रहिबा परे पुनः फिरि आसिछि तार धोबा पाखु फिरि आसिछि। फिरि आसिबा परे धोबा कहुछि तु मते जणे कि जाइनु तु तो मनमुखी चली जाइथुलु आउ मु तते ग्रहण करिबे नै किंतु धोबणी कहुछि प्रभु श्री रामचंद्रंकर पत्नी माँ सती सीता रावण हरण कर से तो पुणी माँ सती सीता ग्रहण करले एक जितेबले शुणिले रामचंद्र पाद तले माटी खसी जाइछि मनरे गोटे संदेह भाव स्थापन होइछि एवं धोबाधोबी कली को शुणी आसवा पर माँ सती सीता से समय गर्भधारण कर लंकापुर जेहेतु किछि दिन जीवन अतिवाहित कर फेरी दासी मैंने पचारिंट माँ सती सीता रावण देखापी केमी चटाण उपरे चटाण उपरे रावण प्रतिमूर्ति को आंकी दे माँ सती सीता एवं से चटाण उपरे छवि पाखे निजे सोई पड़ी एक देख रामचंद्र देखापुर मनरे गोटे विचलित भावन स्थापन एवं लक्ष्मण को डाकी डाकवापर गोटे चिठी लिखिंट चिठी लिखिकी लक्ष्मण तु जा माँ सती सीता छाड़ी दे कि आसबू सी गोटे जंगल स्थान माँ सती सीता लक्ष्मण वाल्मीकि आश्रम पखापाखि जंगल छाड़ी एवं चिठी मध्यम लिखिं आ न फेर देखु से समय धोबाधोबी कली को उपजीव्य कर रामचंद्र किपल निज पत्नी को परित्याग कर दिन धोबाधोबी कली शुणी रामचंद्र माँ सती सीता परित्याग करते किंतु कौनसी मनरे कौनसी खराब उद्देश्य रखी परित्याग कर कारण से अयोध्या नगरी राजा थे से चाहूँ मु जो शासन व्यवस्था करी मो शासन व्यवस्था अथवा मो प्रति देखु मु जो बाटे चलुची मो बाट को अनुकरण करूँ सत किंतु मो विषय मो भावना को नहीं खेलतु ना से दिन माँ सती सीता परित्याग कर।